तो क्या चल सबके आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे दोस्तों। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल गेमर नीलू में। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आज मैं फेस कैम बना रहा हूँ, तो आपने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया है कि मैंने लिया है वन प्लस 9R कॉम्पिटिटिव के लिए या फिर गेम प्ले के लिए, वो मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। और क्या मैंने ये अपने यूट्यूब मनी से लिया है ये भी मैं रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अगर आप यूट्यूबर हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारे प्लस में ये अमेजोन का एक डिब्बा, देखते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैंने ये पन्नी तो पहले फाड़ दिया था, तो ये तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये जब मैंने फाड़ा ना तो अंदर का पैकेज मुझे थोड़ा सा डैमेज लगा, इसलिए मैंने पूरा वीडियो वहाँ पे नहीं बनाया। तो चलिए पहले हम लोग दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डब्बा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो थोड़ा सा पचका हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि अंदर का माल डैमेज ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी रिव्यूज और क्या कुछ है सारी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले इसका ऑपरेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये डिब्बे को काट लिया है और देखते हैं कि कहीं से काटने का हो तो ये सील हम लोग कर देते हैं इसे यहाँ से पूरी तरह से। उसके बाद ये डिब्बे को ओपन कर लेते हैं और हमें अंदर से मिलता है बूम गाइस 9R, आप लोग देख पा रहे हो ठीक से। तो यहाँ पे वन प्लस 9R का मैंने मॉडल लिया है, यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में देख सकते हो, अगर मैं फोकस कर पाऊँ तो यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेलिंग पे देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग इसे मतलब अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है और इसका रिव्यू कैसा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा फोन जो कि काफी ज्यादा चमक रहा है यार, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसका हम लोग ये लेवल हटा लेते हैं पहले, और काफी टाइट लेवल यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। तो कैसे इसे हटाते हैं वो भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो फोन काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है देखने में, और हैंड में ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका स्क्रीन तो अभी लॉक है क्योंकि अभी मैंने इसे ऑन नहीं किया। चलिए इसे अभी हम लोग सेटअप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हमें इसके साथ मिली है डिब्बे में। तो यार ये है हमारा डिब्बा जिसे फोन मिला हमारा, तो इसे साइड हट जाते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे केबल मिला है आपको पता है, और चार्जर मिला है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है इस फोन पे, देख सकते हो आप लोग। बस यही एक चार्जर और एक फ़ोन दे देते हैं ये लोग और कुछ भी नहीं। तो चलिए पहले हम लोग चार्जिंग भी टेस्ट कर लेते हैं इसका। सुना मैंने फास्ट चार्ज बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाता है, और चलिए पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है। यार फोन की कंडीशन बताऊं तो ओवरऑल मेरे को ये बहुत ही बढ़िया फोन लगा, और इसके साथ साथ मैंने इसका बैक कवर और ग्लास भी ले लिया है। तो चलिए पहले बैक कवर लगा लेते हैं और ग्लास किसी और से लगवाएंगे, क्योंकि मुझे ये लगाना नहीं आता बढ़िया से, तो हो सकता है मेरे से खराब हो जाए, तो इसलिए चलिए पहले मैं आपको बैक कवर दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे आप इसका बैक कवर देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला मैंने लिया हुआ है, आप बताना कमेंट सेक्शन पे आपको कैसा लग रहा है। और ये रहा फ़ोन, अब इसमें हम लोग ग्लास वगैरह लगवाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सारे फ़ोन का बात, अब चलिए हम लोग कुछ अपनी पर्सनल बातें कर लेते हैं। तो गाइस फ़ोन की बात करूँ तो फ़ोन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगा, और ये बहुत ही जल्दी काम करता है, मतलब इसका फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत ही फास्ट है। अभी तो मैंने हाल में ये डिवाइस हाथ पे ही लिया है, अभी मैं एक महीने इसे चलाऊंगा और फिर आपको रिव्यू दूंगा कि ये गेमिंग के लिए कैसा है, ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टेंट रिव्यू देके क्या कर लूँगा आपको। अभी तो गेम इसमें स्मूथ ही चलेगा, मुझे भी पता है आपको भी पता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मैंने कैसे लिया, ठीक है। यूट्यूब मनी से लिया तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, अभी यूट्यूब से मेरी अर्निंग बिल्कुल ही जीरो है, ये मैंने EMI पे लिया है, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसमें गेम प्ले वगैरह लाने वाला हूँ, आप लोग चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ साथ आप लोग के लिए गिव अवे, ठीक है। गिव अवे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस चैनल पे मतलब 2,20,000 सब्सक्राइबर है, जैसे ही 2,25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आपको 2 रॉयल पास दे दूंगा गिफ्ट, ठीक है। आपको पता है 2 लोगों को रॉयल पास मिल जाएगा रैंडम पिकर से, और सिर्फ यही नहीं और भी कुछ सरप्राइजेस आएंगे जैसे ही मेरे 2,25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली है इस चैनल पर। बाकी इसका मैं कोस्ट बताऊँ तो ये मुझे यार 39,000 का लगभग पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है पता है, पैसे डूब गए बहुत ज़्यादा, लेकिन आई होप यार अभी ये मेरा गेम प्ले मतलब सुधारने में थोड़ा हेल्प करे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे गेम प्ले ले आऊं और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो ये मेरा पैसा वसूल है, ठीक है।
अब मैं बताता हूँ ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। देखिए अभी मैं इंस्टेंट नहीं बोल सकता, अगर आप कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो, सीरियस हो, तो अभी लो डिवाइस पे आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लैग करेगा और हैकर्स वगैरह भी हैं, तो यार आपको कम से कम अच्छी डिवाइस की तो जरूरत है, ठीक है, अगर आपको गेम प्ले या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाना है। तो अगर देखिए ये मैं फोन एक महीने तक चलाऊंगा, उसके बाद आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एक महीने बाद ये फोन कैसा वर्क कर रहा है, तो उसके बाद ही आप लोग लेना, या फिर अगर पहले से आप लोग देख चुके हो किसी का वीडियो या आपके आसपास कोई यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से फोन ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, खासकर फेस कैम, और अभी गेम प्लेस भी आने वाले हैं, तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।